मैं डॉक्टर शब्बीर अहमद मलिक, आज हमारा सेशन है न्यूनेटल न्यूट्रिशन या ब्रेस्ट फीडिंग, जो कि हम न्यूबॉर्न को दे रहे होते हैं। और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि बेबी का फीड किस वक्त स्टार्ट किया जाए और ताकि ये ज़्यादा इफेक्टिव रहे। तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि जितना जल्द हो सकता हो बेबी का फीड स्टार्ट कर देना चाहिए। और आजकल मॉडर्न एरा में ये है कि अम्बिलिकल कॉर्ड भी उसी वक्त कट की जाए और जैसे कि ही बेबी डिलीवर हो और मदर के चेस्ट पे दे दिया जाए। दूसरी चीज़ जो इम्पॉर्टेंट है कि हम दूध को जो इस्तेमाल करते हैं मदर मिल्क को, पहले 3 दिन का वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है, जिसके अंदर कोलेस्ट्रॉल होता है। और इसकी बुनियादी जो अहमियत ये है कि इसके अंदर जो चीज़ें होती हैं मादा, वो किसी और मिल्क में इस तरह और इस मकदार में नहीं होती है। वो उसके अंदर हाई प्रोटीन होती है और इसको इम्यूनिटी बेहतर पहुंचाने के लिए बहुत अहम मादा मौजूद होता है और वाफिर मकदार में मौजूद होता है। और दूसरी चीज़ ये है कि मदर मिल्क का जो रिप्लेसमेंट है वो कोई भी मिल्क नहीं हो सकता, कोई दूध नहीं हो सकता। इसलिए हमारी सजेशन ये होगी कि जितना जल्द हो सकता हो माँ के दूध को प्रोवाइड कर दिया जाए बेबी को। और अगर ये मदर सिजेरियन सेक्शन की वजह से या किसी और बिना पर मूव नहीं कर सकती, तो उनका EBM एक्सप्रेस किया हुआ दूध ज़रूर बच्चे को स्टार्ट कर देना चाहिए, जैसे कि स्केजुअल बन रहा हो उस बच्चे को। दूसरी जो तीसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो ब्रेस्ट मिल्क होती है ये काफ़ी सारी चीज़ों के लिए फ़ायदेमंद होती है, जो कि आम फार्मूला मिल्क के अंदर नहीं होता है। और वो ये है कि इसके अंदर ख़ास किस्म के मादा होते हैं, जैसे कि एसेंशियल फैटी एसिड है, जिसको हम लिनोलेनिक एसिड, अल्फा लिनोलेनिक एसिड्स कहते हैं। और दूसरा लॉन्ग चेन पॉलीअनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं, जो कि आर्किडोनिक एसिड और जो डोकोसो हेक्सोनिक एसिड होते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं ना, वो आम दूध के अंदर इस मकदार में और इस तरीके से नहीं प्रोवाइड की जा सकती जो नेचुरल मिल्क में होती है। और इसकी अहमियत ये है कि ये जो है दिमाग की ग्रोथ के अंदर और मैचुरेशन के अंदर बहुत ज़्यादा अहम रोल प्ले करता है, जैसे कि इसकी विजुअल एक्यूटी है, इसकी IQ है और न्यूरो डिवेलपमेंट है, इसके अंदर बहुत अहम रोल होता है। अच्छा, और दो एक चीज़ें जो बहुत अहम होती हैं, जिसमें लैक्टोफेरिन होती है और लैक्टोबैसिलस होते हैं, जो कि फ्रेंडली ऑर्गेनिज्म है एक, और एक जो है आयरन बाइंडिंग प्रोटीन है। इस ये दोनों के दोनों जो बच्चे का अहम पार्ट होता है, जहाँ से इम्यूनिटी बहुत कंट्रोल हो रही होती है, वो है GI ट्रैक्ट, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट। और उसके अंदर ये दोनों बहुत वाइटल रोल प्ले कर रहे होते हैं, जिसमें कि ये नुकसान करने वाले बैक्टीरियाज को ख़त्म कर रहे होते हैं और जो फ्रेंडली बैक्टीरियाज होते हैं जैसे लैक्टोबैसिलस, उनको ये बढ़ा रहे होते हैं या इन्हांस कर रहे होते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो बच्चों के लिए इस सेंस में भी बहुत मुफीद है कि इसकी ग्रोथ और प्लस इसकी जो न्यूरो डिवेलपमेंट है और इसकी जो GI ट्रैक्ट की इम्यूनिटी की इंटीग्रिटी है, उसको बढ़ा रही होती है। और ये आम फॉर्मूला मिल्क किसी सूरत नहीं कर पाता। तो इसलिए बच्चे की जो न्यूबॉर्न की न्यूट्रिशन है, जितना जल्द हो सकता हो हम शुरू कर दें। और इसमें सिर्फ एक छोटी सी चीज़ ये है कि जो माँ का दूध होता है वो प्री मेच्योर बेबी, मसलन जो 37 हफ्ते से पहले डिलीवर हो चुके होते हैं, और ख़ास करके बहुत ही एक्सट्रीम प्री मेच्योर, जिसके लिए ये बिल्कुल उस तरह से सूटेबल नहीं है कि जैसे कि मेच्योर बेबी, तो वो उसके अंदर हम मॉडिफिकेशन या फोर्टिफिकेशन कर रहे होते हैं, जिसमें हम फोर्टिफाइड मदर मिल्क दे रहे होते हैं ताकि उसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाए और उसकी कैलोरीज बढ़ाने की सलाहियत ज़्यादा हो, जो कि इसकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक हो। लेकिन देना मदर मिल्क ही चाहिए, जिससे कि उसकी बहुत सारी चीज़ों की रोकथाम भी करती है, जो कि प्रिवेंटिव मेजर होता है और एक प्रोटेक्टिव मेजर भी हो रहे होते हैं। माँ के दूध के अंदर ख़ास तौर पे जो एक टॉरिन होती है, वो मेंटल मैचुरेशन, माइलिनेशन, जिस तरह से लैक्टोज कर रहा होता है उसी तरीके से ये करता है, इलेक्ट्रोलाइट को बैलेंस कर रहा होता है, न्यूट्रल ह्यूमन ओलिगोसेक्राइड्स होते हैं,
जो कि जगह जगह बैक्टीरियाज को प्रोटेक्ट बैक्टीरिया से प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं। तो इसलिए जो माँ का दूध है या ब्रेस्ट मिल्क है, जितना जल्द हो सकता हो हमें स्टार्ट करें, चूँकि इसकी जो इस्तेमाल करने की हमारे पास रेशियो है पाकिस्तान में ख़ास तौर में वो बहुत ही कम है, वो है तकरीबन 40% के लगभग है, जो कि कम है इस हिसाब से जहाँ पे मेल न्यूट्रिशन खास तौर पे बहुत ज़्यादा हो। तो बेबी कॉम्प्रोमाइज़ होता है और उसके अंदर फैटिंग ग्रोथ और उसकी इम्यूनिटी ख़राब होने की बिना पे बार बार वो उसकी तबीयत ख़राब हो रही होती है और मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियों में वो मुब्तला रहता है। तो ओवरऑल अगर हम इसको समराइज करें तो वो ये है, पॉइंट नंबर वन कि जैसे ही बच्चा डिलीवर हो हम इमीडिएटली ब्रेस्ट मिल्क स्टार्ट कर दें जितना जल्द हो सकता हो। सेकंड ये कि जो मैच्योर और प्री मैच्योर बेबीज़ हैं उनके लिए दो तरह से हम उनको ये मिल्क प्रोवाइड करें, एक स्टैंडर्ड या नॉन फोर्टिफाइड मिल्क और दूसरे को फोर्टिफाइड ब्रेस्ट मिल्क प्रोवाइड करें। अगरचे माँ वहाँ तक पहुँच नहीं पाती हैं बच्चे के पास और किसी बिना पे कहीं एडमिट हैं तो उनको एक्सप्रेस ब्रेस्ट मिल्क देना चाहिए। फोर्थ ये है कि इसको कम से कम हम 4.5 महीने तक एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट मिल्क पे रखें जहाँ पे बेबी को पानी की भी ज़रूरत नहीं पेश आएगी, लेकिन उसके बाद हम हो सके तो 2 साल तक बच्चे को दूध पिलाएं और उसके साथ उसके मिनी आइटम्स को ऐड ऑन करते 5th मंथ के ऊपर। और इसकी जो एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो ब्रेस्ट मिल्क होता है उसके अंदर डाइजेशन बहुत अच्छी होती है बच्चे की, लेकिन उसमें थोड़ी मदर को ये इस बात की बड़ी होती है वो कि उनके जो स्टूल है जो खाने की जो फ्रीक्वेंसी वो थोड़ी सी ज़्यादा होती है और बाद अवकात बहुत ही कम होती है। तो कोई बेबी अगर दिन भर में 8 दफ़ा भी पू कर रहा हो तो कोई इशू नहीं है, अगरचे वो एक्टिव हो, कोई फीड लेने में प्रॉब्लम ना हो, वॉमिटिंग ना कर रहा हो तो बिल्कुल नॉर्मल है माँ के दूध के साथ। और सेकेंड अगर 1 या 2 दिन इसी तरह से पू ना कर रहा हो और बाकी चीज़ें उसकी चीख पेट ना फूल रहा हो, उल्टी ना कर रहा हो, एक्टिविटी ख़राब नहीं हो तो मैं लेकिन नॉर्मल है, किसी किस्म की परेशानी की ज़रूरत नहीं है। और जो इम्पॉर्टेंट पार्ट में ये है कि आप जब इस पीट पे देते हैं तो उससे बच्चे को बहुत सारी बीमारियों से बचा के रखते हैं। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में आपसे बच्चों के अंदर रिएक्टिव एयरवे डिजीज़ के बारे में डिस्कशन होगी। अल्लाह हाफ़िज़।